लातों से पिटाई जमकर कुटाई, तो कभी पत्थर से मारने की धमकी। आसपास खड़े लोग कोई कुछ पूछने वाला नहीं और न ही कोई टोकने वाला, क्योंकि पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब ये वीडियो सबके सामने आता है जिसमें एक महिला जमीन पर गिरी हुई नजर आ रही है, दर्द से कराह रही है, लेकिन तमाशबीन बनी भीड़ कोई कुछ भी कहने को राजी नहीं है। देखने से पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में महिला की पिटाई होती रही और पब्लिक मूक दर्शक बनकर देखती रही। हद तो तब हो गई जब मां सीता को पूजे जाने वाले देश में न सिर्फ महिला की पिटाई हुई बल्कि लोग उसका वीडियो भी बनाते रहे ताकि लोगों को व्यू और लाइक मिल जाए। दरअसल ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके का है, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति ने अपनी एक महिला मित्र को लात और घूसों से पीटता रहा। इतना ही नहीं, उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर भी नजर आ रहा है, जो हालांकि लोगों के लाख कहने के बाद फेंक देता है। उसी दौरान किसी युवक ने ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता और वायरल कर देता है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, साहिबाबाद थाना पुलिस ने तुरंत मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर युवक की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान साहिबाबाद थाना इलाके के शहीद नगर रहने वाले वीर सिंह के रूप में हुई। पूरे मामले पर एसीपी रजनीश उपाध्याय का कहना है कि वीर सिंह के साथ पीड़ित युवती लिविंग रिलेशनशिप में 5 साल से रह रही थी, लेकिन आज जब वो वीर सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पर पहुंची तो वीर सिंह के फोन पर एक महिला का फोन आया। इस विषय में जब उससे पूछा तो वीर सिंह ने उसे अपनी महिला मित्र की जमकर पिटाई कर दी। आज एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें एक युवक द्वारा एक युवती के साथ मारपीट की घटना सड़क पर कारित की जा रही थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की गई तो यह थाना साहिबाबाद के हिंडन पुल चौकी के अंतर्गत अर्थला पेट्रोल पंप के पास का वीडियो पाया गया। इस वीडियो में दिख रहा युवक वीर सिंह थाना साहिबाबाद के शहीद नगर का निवासी है, जो पिछले 5 वर्ष से अपनी महिला मित्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में विजयनगर में निवास कर रहा है। आज जब वो दोनों पेट्रोल पंप के पास बाइक में पेट्रोल भरवा रहे थे, उसी दौरान वीर सिंह की मोबाइल पर एक अन्य महिला मित्र का कॉल आ गया, जिससे कि उसकी महिला मित्र से हार्ट अटैक होने लगी और इसके बाद यह मारपीट की घटना कारित की गई। पीड़िता द्वारा तहरीर लेकर के इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्त वीर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं महिला ने भी रोते हुए अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई और कहा कि हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गए हैं जो हमें मंजूर नहीं। अलबत्ता अब उसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ और फिर मारपीट। मैं जॉब पे जा रही थी, मतलब मेरा नंबर ब्लॉक करके उस औरत से बात करता, उसे लेके जाता है घुमाने के लिए। हम लोग रिलेशन में रह रहे हैं, हम 5 साल से रिलेशन में रह रहे, जब भी शादी के लिए बोलते जब भी हम मारपीट करता उस औरत के साथ जाता है, मेरे साथ मारपीट करता रहता है। हाँ, साथ ही जा रही थी। विजयनगर ये शहीद नगर, वैसे मेरे साथ ही रहते हैं। किस बात को लेकर मारा? मैंने इनको पूछा था, तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया और तुम कहाँ गए थे, तो मेरे से कह रहे कि तुम मेरे से जितना जल्दी पीछे छुड़ा ले उतना सही है। तुम कोई नहीं आया था, कोई सब देख रहे थे सारे के सारे। हाँ, पत्थर मेरे को मार रहा था, कह रहा था कि तेरे को ना पत्थर से मार के ना तेरे को मैं बिल्कुल आज ही खत्म कर दूंगा, ऐसे करके बोल रहे थे मेरे से। हाँ, और ये कह रहे मैं घर में गए थे, ये मेरे को उसमें गैस में बंद कर दिया था, गैस खोल दी थी, फिर मैं पैर पड़ गई, तब जाके इन्हें गैस बंद करी, कहते तेरे को मैं जला दूंगा। वीर सिंह बता दे कि जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह से महिला को खुलेआम पीटना कहां तक सही है। जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हों। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।